फ्रेंड्स, ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ कि भैया जब हमारे बोर्ड्स आते हैं उस टाइम हमारी जो जेई मेंस की प्रेपरेशन है और जो हमारी बिटसैट की प्रेपरेशन है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। जब हम बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एनसीईआरटी उठाया, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे जेई मेंस या बिटसैट की जो बुक्स हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, उस पर अपने टाइम और एफर्ट्स नहीं दे पाते। तो यार, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें सक्सेस इन्फिनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जैसा आप किसी दिन पढ़ना शुरू करते हो तो जब हम सुबह से शुरू करते हैं पढ़ना तो सुबह वी आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, हमें फुल एनर्जी होती है। हम कोई भी नया टॉपिक उठा लें, कोई ऐसा टॉपिक भी हम उठाएं जो हमने नहीं पढ़ा है पहले, उसको भी हम ढंग से पूरे फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझ सकते हैं। बट जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे इवनिंग नाइट की तरफ हम जाते जाते हैं, हमारी थोड़ा एनर्जी का लेवल कम होता जाता है, हम थकने लग जाते हैं थोड़े थोड़े, और जो कॉन्सेंट्रेशन का लेवल है वो उतना नहीं रह पाता जितना मॉर्निंग में था। तो बेस्ट चीज़ जो हम यहाँ कर सकते हैं जिससे कि हमारा नाइट का टाइम भी वेस्ट ना हो वो ये है कि सुबह तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रेपरेशन कीजिए। अब आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। सुबह यू हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स प्रेपरेशन। जब आप रात को आएंगे तो रात को कोशिश कीजिए कि आप कोई नया टॉपिक ना उठाएं, आप कुछ थ्योरी रिलेटेड चीज़ ना पढ़ें। थ्योरी वाली चीज़ों को या नई नई चीज़ों को जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसको आप सुबह के लिए छोड़ दीजिए। रात को आपको क्या करना है, जो भी आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री ले लेते हैं, आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ा, तो रात को आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वेदर जेई मेंस में या फिर बिटसैट में हो, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब अगर मैं बिटसैट की बात लेके चलूं तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से ही आता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से कर रखी है तो देन यू विल वेरी इजीली बी एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिटसैट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिटसैट आपको मिलेंगे कहाँ से? केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बुक यूज करनी है इन ऑर्डर टू गेट हाई स्कोर इन बिटसैट। रात में मान लीजिए आपने कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ा है सुबह, तो रात में आप इनऑर्गेनिक के उसी चैप्टर को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाके एक बार देख लीजिए, वहाँ आपको आराम से 50-60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यही चीज़ आपको हर सब्जेक्ट के साथ करनी है। अगर आपने मैथ्स में सुबह कोई टॉपिक पढ़ा है तो शाम को या रात को आप कोशिश करिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लूँ। अब वो आपके ऊपर है आप कहाँ से कर रहे हैं, हो सकता है जेई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें, हो सकता है आप आरडी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि एंड ऑफ चैप्टर आते हैं, हो सकता है आप और किसी बुक को रेफर कर रहे हो। बट द मेन थिंग इज जो भी आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है उसको आपको एंड ऑफ द डे जाके एक बार प्रैक्टिस करना है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, जो आपने पूरे दिन भर में पढ़ा एक बार आपका रिवीजन हो गया उसका। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा था, हो सकता है आपने 50 चीज़ें ऐसी पढ़ी हों जो आपको याद करने की थी, लेकिन सब हमें याद नहीं रहती एक बार में। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखोगे तो जब वो ऑप्शंस के फॉर्म में आपके सामने आएगा तो एक बार आपके माइंड में वो और रिमाइंड हो जाएगा, और जो आपका ग्रैस्पिंग पावर था जो आप हो सकता है तब भूल गए हो पढ़ के, वो आपको फिर से याद आ गया। दूसरी चीज़, जो हमारा जेई मेंस और बिटसैट का पैटर्न रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। मेजर चीज़ यही है यार कि जो पैटर्न है पेपर का आपको उसके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर वो बोर्ड्स भी है तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जेई मेंस और बिटसैट है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर लाने में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो यार, ये हर सब्जेक्ट के साथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप कोई सा भी चीज़ उठा लो, आप फिजिक्स में भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, एट द एंड ऑफ द डे आपको या तो एचसी वर्मा में या डीसी पांडे में या और कोई रेफरेंस बुक जिसमें प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चन भी हो उनको जाके सॉल्व कर लेना है। इससे यार दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही सही, क्योंकि आप जो पढ़ रहे थे अब आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस। आप देखोगे कि यार ये मैंने सुबह पढ़ा था, अब मैंने इसका क्वेश्चन करा मुझसे बहुत ईजिली हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है। दूसरी बात, हमारा रिविजन बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बोर्ड के चक्कर में हम लैग होते जा रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव पार्ट भी अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से हमारी प्रिपरेशन चलेगी। लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि बीच बीच में हो सकता है कि पूरे दिन भर में आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। आप मान लीजिए कुछ थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ रहे हो, मे बी केमिस्ट्री का, और बहुत ज़्यादा थ्योरी, आपको बहुत कुछ याद करना है, लेकिन आप बीच में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तब आपको क्या करना है? तब आपको छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट को, आप थ्योरी पार्ट को साइड में करिए, उसी चैप्टर के जो आपने पढ़ा, जहां तक भी आपने पढ़ लिया ना उस टॉपिक के, उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस निकालिए,
केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल खोल लीजिए, उन क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए। ये देखिए कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है चैप्टर उसमें से आपको कितना याद है। कम याद है तो भी कोई बात नहीं, आपने एक बार ऑब्जेक्टिव्स देख लिए अब आपको माइंड में रिटेन रह जाएगा कि यार मैं ये भूल गया था। अच्छे से याद है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे और आप और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे। तो यार कोशिश करना कि जब भी आपका टाइम वेस्ट होने वाला हो ना कहीं पर भी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा पढ़ने में और मन नहीं लग रहा, तो कोशिश करना कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चल जाओ। तो कोशिश करना आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि एक बार आप वहां जाओगे आपका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे जोन में आ जाएगा, एक मोमेंटम गेन कर लेगा, क्योंकि अब आपको सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते से, जो आपको मन नहीं लग रहा था वो फिर से लगने लग जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आज ही इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके और कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिस पे मैं रेगुलरली वैल्यूएबल पोस्ट डालता रहता हूँ रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेपर, रिलेटेड टू फॉर्मुलाज, रिलेटेड टू रिविजन मैप्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप मुझे वहां भी जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है success_infinity। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।